तो आप वियतनाम में आओगे और शॉपिंग नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वियतनाम में शॉपिंग बहुत ज़्यादा सस्ती है। ये गारमेंट्स एज वेल एज शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग की हब है दुनिया भर के ब्रांड्स के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल एज वेल एज फर्स्ट कॉपी अगर आप इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलेंगे और डिटो सेम क्वालिटी की। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि कल इवनिंग को मुझे एक इंडियन कपल मिले थे जो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग के शौकीन थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि साइगॉन स्क्वायर मॉल में आइए जो बहुत ही बढ़िया और लोकल है, और मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, यानी कि यहाँ की प्राइजेस आपको बहुत ही रीजनेबल मिलेगी वर्सेस और जगह जहाँ पे आप जाओगे तो 5 गुना 6 गुना ज़्यादा प्राइस बोलते हैं और आपको बार्गेनिंग करने के बाद भी ना बहुत सारी चीज़ें महंगी पड़ जाती है। तो चलिए अभी ये मॉल के अंदर जाते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और पूरा सीन देखते हैं क्या है। इधर अंदर आते ही ये तो एक एयर कंडीशन मॉल है और आपको दोनों बाजू पे इधर ना स्टॉल्स दिखाई देंगे क्लोथ्स के और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, बैग्स, वॉलेट्स, ये सारी चीज़ों का इधर बंदोबस्त है। सारे के सारे ना इधर फर्स्ट कॉपी है और देखिए ना टी शर्ट 300-300 रुपये में इधर बिक रहे हैं और उसमें भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो हो ही जाती है। सो इधर आपको बहुत सारे टी शर्ट्स भी मिलेंगे और क्वालिटी देख के फील करके पता चलता है कि इट्स वेरी गुड इन क्वालिटी। एंड अभी मैं एक शू शॉप में गया था, ऑब्वियसली वो थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा था, अपनी नाइकी की शूज़ आपको 2000 में वो बोल रहा है तो आप बार्गेन करके और भी कम कर सकते हो और क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही थी तो शायद मैं लेने का प्लान कर दूंगा। सो इधर देखिए ह्यूगो बॉस का है, मेड इन वियतनाम का टैग भी है इसमें और अंडर आर्मर के भी टी शर्ट्स है $5-5 में, यानी कि 100 वियतनामीज़ डोंग में, और ये भी सारे के सारे ना आपको इधर ही आपको टैग दिखाएंगे। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ना ये सारे मैन्युफैक्चर होते हैं और इसमें कुछ भी डिफेक्ट रहता है ना तो वो जनरली ऐसे मार्केट्स पे आ जाते हैं। इंडिया में भी आपको बहुत सारे ऐसे गारमेंट के शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको वॉलमार्ट वगैरह में जब सामान जाते हैं और वो QC या क्वालिटी कंट्रोल पास नहीं होती है ना तो लोकल मार्केट में लोग चला देते हैं अपने अपने प्राइजेस में बेच के, मतलब कि सेम टू सेम जो चीज़ रहती है थोड़ी सी स्टिचिंग डिफेक्ट इधर उधर रहती है ना वो सामान आपको इधर मिल जाती है। ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ और हर गली में घूम रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कोई नए पूरे कम्प्लीटली डिफरेंट मॉल में ही आ गया हूँ मैं। बहुत है यार इधर और चाइनीज़ लोग तो बहुत है इधर और वो लोग तो यार एकदम प्रो रहते हैं बार्गेनिंग करने में, मुझे तो इतना आता नहीं है बट ट्राई करता हूँ मैं। 1 घंटे से मैं नीचे घूम रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था इधर फर्स्ट फ्लोर है, तो अभी फर्स्ट फ्लोर भी जाके चेकआउट करते हैं इधर क्या क्या अवेलेबल है। सो इधर अभी ये शू शॉप में आया ना तो इधर जितने भी है ना ये सब 300-300 रुपये के शूज़ है यार, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, पूरा कैनवास है देखिए ना नाइकी का, बहुत बढ़िया लगा एयरफोर्स वंस, बहुत डील्स है यार इधर। ये थोड़े उससे महंगे हैं, ये 2500-2600 के आसपास पड़ रहे हैं और बहुत चॉइसेस है, बहुत ही इम्प्रेसिव है यार ये। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सस्ता है 200-300 रुपये और अगर आप इधर ऊपर आओगे तो, और इसके प्राइस भी देखे ना यार 150K बोलेगा तो ऑलमोस्ट 500 रुपये में ये शर्ट्स आ रहे हैं। थोड़े थोड़े अंदर आओगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे डील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए औरतों के लिए यहाँ पे जो है 250 या 350K, मतलब कि लगभग आपको यहाँ पे 350-700 रुपये में ये सारे ड्रेसेस, जैकेट सब कुछ आ रहे हैं। 1000 रुपये के रेंज में आपको ये सारे आ रहे हैं और पैंट्स उससे भी सस्ते हैं 150-150, यानी कि मतलब आपको 400 रुपये में ये सब टॉप्स और पैंट्स आ जाएंगे इधर। तो एक बढ़िया है कि आप ये है कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे आओगे ना तो ज़्यादा बेटर प्राइजेज है, जैसे कि मैंने देखा कैल्विन क्लाइन के अंडरवेयर यहाँ पे आपको 350 में 2 मिल रहे हैं और सेम टू सेम क्वालिटी, साथ साथ में आपको लीवाइस की जीन्स 1200 में आ रही है जो बार्गेन करके आपको 800-900 में भी पड़ जाएगी और एकदम डिट्टो क्वालिटी की है। सो आपको आना है ऊपर तो टी शर्ट्स 200-200 मतलब 350-600 रुपये के रेंज में आ रहे हैं और आपको जीन्स 800-1200 के बीच में पड़ रही है जो काफ़ी अच्छा है। इधर रोड क्रॉस करना ना यार खतरे से खाली नहीं है, लोग आते इतना ही गोरे इंडिया में। हाँ हाँ यू सब लोग आते हैं इतना चिल्लाते हैं कि इंडिया में ट्रैफिक खराब रहता है एंड इधर देखे कैसा है, रुकते ही नहीं है, ऊपर चढ़ा देंगे यार, ऐसा सीन है यार। ओके तो अभी वियतनाम में अगर आप इधर आ रहे हो ना तो आपको एक चीज़ मन में आएगी क्वेश्चन कि यहाँ का जो है
शॉपिंग कितना महंगा है, एज इन अगर आपको कोई डेली एसेंशियल चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, बियर चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, पानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में आपको पानी कहीं भी फ्री का नहीं मिलता है, आपको रेस्टोरेंट पे भी जाओ तो ख़रीदना पड़ता है, तो दिन का आपको एटलीस्ट 2 बॉटल तो ख़रीदना ही पड़ेगा और उसका खर्चा लगने वाला है, तो वो कितना होगा, क्या होगा और कहाँ से लेना है ना, वो पूरा अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं ये शॉप में जिसका नाम है सर्कल के। ये आपको वियतनाम में बहुत सारे जगह पे मिलेंगे, अलग अलग है, ये यहाँ का 7-Eleven जैसा इक्विवेलेंट है जैसे थाईलैंड में रहता है। 7-Eleven भी है यहाँ पर उसकी कवरेज थोड़ी कम है, तो चलिए अभी सर्कल के अंदर जाते हैं और आपको प्राइसेस दिखाता हूँ वियतनाम में क्या है कैसे है। तो सबसे पहले ना मैं आपको पानी के प्राइसेस दिखा देता हूँ, इधर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट में। इधर एक ही सीन है कि सबसे बड़ा बोतल 1.5 लीटर का आता है, 1 लीटर का नहीं है जैसे अपने इधर मिलता है स्टैंडर्ड साइज, और बाकी 600-600 ml के। सबसे सस्ते वाले ऐसे दसानी के आते हैं जो 7000 डॉन का है, जो लगभग 21 रुपये का हो जाता है, थोड़ा महंगा ही पड़ता है। और ये दूसरे अपने 1-1 लीटर के आपको लगभग 60-45 रुपीज़ के बीच में पड़ जाते हैं। मेन अभी बात करते हैं यहाँ पे दारू का प्राइसेस क्या है, दिख रहा है आपको, जैसे कि हाइनेकन है, टाइगर है, ये बहुत सारे यहाँ पे लोकल छोटे बड़े ब्रांड्स भी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, पर सबसे ज़्यादा चलने वाली बियर्स ना यहाँ पे ज़्यादा करके टाइगर ब्रांड की रहती है, ये बहुत यहाँ पे लोग पीते हैं। और बिया साइगॉन करके भी एक आती है, वो भी है। टाइगर अगर आप देखोगे तो 29,000 डॉन की आ रही है आपको 500 ml की कैन, और उससे छोटी वाली कैन आपको 22,000 डॉन की आ रही है, और ये जो 330 की कैन है वो आपको पड़ेगी 21,000 डॉन, यानी कि आपको 60-65 रुपये 70 रुपये के अंदर में आ जाता है। आपको सस्ते में नाश्ता वगैरह करना है सुबह शाम दोपहर रात जब भी होगा ना, तो ये वाले बॉक्स नूडल्स है ना, ये बहुत यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, वेज में भी आता है, नॉन वेज में भी आता है, निसिन अपने यहाँ पे भी मिलता है, तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो जिसका 19,000-20,000-30,000 डॉन है। आपको डिस्ट्रिक्ट 1 में ना हर जगह पे ऐसे मोटरबाइक्स भी दिख जाएंगे अलग अलग जगह पे रेंट के लिए, तो ये आप ना कोई भी दुकान में जाओगे तो एवरेज आपको प्राइस डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप की व्हीकल ले रहे हो ना, आपको 500-600 पड़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि होचीमिन सिटी में थोड़ा महंगा है बाइक रेंटल्स करवाने के लिए। बड़ा शहर है बोल के थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट अगर आपको कोई ऐसे ऑफ द रोड मिलेगा ना तो आपको 350-400 में भी मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छा प्राइस रहता है आपको मोटरबाइक इधर के लिए। याद रखिए कि इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो अच्छा है, यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, बट आपको आपकी जो है पासपोर्ट जमा करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे लाइसेंस नहीं लेके आ रहे हो तो। कभी कभी डिपॉजिट भी मांगते हैं जो 2,000-5,000 रुपये के बीच में भी रहता है, तो आपको जैसे कोई भी जगह पर जा रहे हो बाइक की पूरी 360 की वीडियो लेनी है और उसके बाद ही आपको बाइक रेंट पर लेना है, और संभाल के चलाइए क्योंकि वियतनाम में ट्रैफिक बहुत ही भयानक है। वियतनाम में आपको हर जगह गली गली में ना ऐसे छोटे बड़े करेंसी एक्सचेंज वाले मिल ही जाएंगे, और ये काफ़ी बढ़िया रेट भी दे देते हैं। अभी मैं आपको साइड में डाल के दिखा देता हूँ कि इसका प्राइस कितना है वर्सेस US डॉलर जो हमें इंडिया में मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग जो दुकानें हैं, सिम कार्ड बेच रही है, आपको डे टूर्स बुक करने खुद से आके तो इधर भी करने के लिए ना ये बहुत ही रिलायबल रहता है। लोग ऐसे सब शॉप्स आपको बहुत जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आपको ना अलग अलग जगह या से कोई दूसरी भी कंट्री जानी है जहाँ पे जैसे कंबोडिया है या आपको लाओस जाना है ना, तो भी बसेस मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे शॉप्स है, ये काफ़ी रिलायबल भी रहते हैं, यहाँ पे आपको बुकिंग करोगे ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके हॉस्टल होटल जहाँ पे भी हो ना वहाँ पे आके पिकअप करते हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 में ही आपको आता है बुई बीएन के पास में ही है गुजरात रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट 1 में ना ऐसे बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो अलग अलग प्राइस पॉइंट में सब कुछ सर्व करते हैं, नाश्ते से लेके आपका पूरा मेन कोर्स और डिनर थाली वाली। ये रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया लगा, अगर गुजराती लोग जो मेरा चैनल बहुत लोग देखते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा ये, उनको सारे टाइप के जो नाश्ते हैं स्नैक्स है सब है इधर। मेन रोड पे ही है ये रेस्टोरेंट, चाइनीज़ फूड भी सर्व करता है जो इंडियन स्टाइल वाला है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको देखिए ना दाल खिचड़ी ये सब बहुत ही रीजनेबल रेट्स यार, 300-350 के अंदर में आ रहे हैं, हाईली रेकमेंड करता हूँ। वैसे तो वियतनाम की डिस्ट्रिक्ट 1 की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, और अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन दबा के पूरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही ऑसम है। पर अगर आपको दूसरा ज़रा हटके से ज़रा चिल थोड़ा अपस्केल नाइट लाइफ चाहिए तो ज़्यादा भी पैसे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, और एक अमेजिंग जगह पर मैं अभी आपको ले चलता हूँ। तो होचीमिन सिटी में आपको बहुत सारे ऐसे पब्स हैं, क्लब्स हैं जहाँ पे आप जाओगे तो बहुत एंजॉय कर सकते हो,
पर आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, तो आपको मैं एक ऐसे जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको साइगोन सिटी का सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा फ्रॉम द 30th फ्लोर। तो चलिए अभी पुल वन में जाते हैं अंदर, और यहाँ पे मैड काओ बार एंड ग्रिल करके एक रेस्टोरेंट है जो 30th फ्लोर पे लोकेटेड है, वहाँ पे जाके एक ड्रिंक एंजॉय करते हैं और पूरा चिल सीन दिस सिटी का एंजॉय करते हैं लास्ट डे में। पुलमन होटल आपको होचीमिन सिटी के डिस्ट्रिक्ट 1 पे मिलेगा, और ये एक बहुत ही बड़ा 5-स्टार होटल है। जस्ट बिकॉज ये 5-स्टार है इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एक्चुअली आप इंडिया के बाहर कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाओगे तो 5-स्टार होटल्स जनरली काफ़ी किफ़ायती रहते हैं, इतने भी महंगे नहीं रहते। और इसका जो 30th फ्लोर का रूफटॉप बार था जिसका नाम हैप्पी काओ था, बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आते हो तो एक इवनिंग निकाल के एटलीस्ट यहाँ पे आइए ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए, क्योंकि व्यू तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग और ब्यूटीफुल है। हाईली रेकमेंड करता हूँ मैं आपको ये जगह। और यही होटल के अंदर ना पुलमन में आपको बेसमेंट में कैसीनो भी मिलेगा, तो जो शौकीन है गैम्बलिंग करने के ना वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल जो है ना वो लेके आना है, कॉपी वॉपी नहीं चलती इधर। सो आपको गैम्बलिंग करना है, थोड़ा वो भी एंजॉय करना है, पूरा ट्रिप के पैसे वसूल करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी होचीमिन सिटी की पूरी जर्नी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगले वीडियो में हम वियतनाम के सेंट्रल पार्ट में जाने वाले हैं ट्रेन पकड़ के, और एक ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ही कम इंडियंस जाते हैं, और यहाँ पे मेरा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला एक एक्सपीरियंस बुक्ड है। तो आपको ये वीडियो सीरीज़ पूरा देखना ही देखना है। वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।